पुलिस की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। थाना जखोरा पुलिस पर साठगांठ के चलते राजेश साहू नामक शातिर चोर को पकड़ने के बाद छोड़ने का आरोप। सिरसी गांव में भैंस चोरी के साथ अन्य कई चोरियों में संलिप्तता उजागर होने पर ग्रामीणों ने पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। डीएम एसपी को ज्ञापन देकर थानेदार अवध नारायण पांडे पर कार्रवाई कर हटाने की उठाई आवाज। ललितपुर से सुनील जैन की रिपोर्ट। सिरसी का रहने वाला हूँ मैं। राजेश साहू मेरी भैंस चोरी ले गया है 26 तारीख रात को। श्रीमान जब मैंने नामदार रिपोर्ट की तो थानेदार ने उसको 24 घंटे बैठा लिया, पैसा लेकर छोड़ दिया। और चार छह लोगों का नाम बताते हैं, नाम बताओ। दरवाजे किसी को नहीं पकड़ रहे हैं और दरवाजे उल्टी गालियां देते हैं। पुलिस प्रशासन बहुत परेशान है साहब। कमले दरवाजा से छोटे थानेदार चोर है, उसने कितनी तरह की चोरियां की हैं। सब कहीं जुआ पकड़ाता है, कहीं गांजा पकड़ाता है, कहीं भैंस चोरी करता है, कहीं मोटर चोरी ले जाता है, कहीं औरतें बेचता है। उसका यही काम है और पुलिस को पैसा दे देता है, पुलिस कुछ नहीं कहती है। और छोटे थानेदार कमले कहते हैं तो उठा के बंद कर दूंगा, किसान को लेकर आओ, 10 आदमी लेकर आओ। तो क्या पुलिस की साठगांठ है? पुलिस की साठगांठ था, पुलिस पैसा लेकर छोड़ देती है और पुलिस ही करा रही है सारा काम। अभी आप कहाँ शिकायत करने आए? हम लोग डीएम और एसपी जहाँ शिकायत करने, हम लोग साहब भाजपा के पार्टी वाले, हम लोग हम अपनी पार्टी में हम ही परेशान है। आकर देश का क्या होगा? हमारे न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, न कोई अधिकारी सुन रहा है।